Good morning, children. Let's start today's session. Are you ready, children? Okay, let's start. Children, take out your pink sunshine book and let's open to page number 9292. Today, we will be covering the topic ISEs and ARER. So first of all, children, write date and CW on top. ये है IS is. Is हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हो. When we are talking about one thing or one person. और ARER हम यूज करते हैं जहां पे हम एक से ज्यादा चीज के लिए बात कर रहे हो. ओके, सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस. लिसन एंड रिपीट. आपको सुनना है मैडम क्या बोल रही है और उसके बाद आपको रिपीट करना है. ओके, ये कौन है? ये एक गर्ल है और वो कह रही है दिस इज अ कैट. यहाँ पे हमें एक कैट दी गई है तो ये गर्ल उसके बारे में बात कर रही है. दिस इज अ कैट ये कह रही है क्योंकि कैट कितनी है? 1. इसलिए यहाँ पे यूज किया है IS is. और अगर एक से ज्यादा हो तो हमें यूज करना पड़ेगा ARER. So here it is only one cat, so it has been used IS is. Now children, we move to the next one. See, यहाँ पे कितनी कैट्स है? बहुत सारी. ये कैट्स के बच्चे हैं, किटन्स. क्या है? कैट्स के बच्चे, छोटे छोटे बेबीज. देखो कितने सारे हैं. चलो काउंट करते हैं. 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे 4 किटन्स है तो 4 तो एक से ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे दीज आर किटन्स. देखो यहाँ पे क्या यूज किया है? ARER. आर इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे 1 से ज्यादा है. और आपने देखा यहाँ पे THESE दीज यूज किया है. दीज भी एक से ज्यादा के लिए यूज किया करते हैं. और यहाँ पे यूज किया है THIS दिस. दिस हम 1 के लिए यूज करते हैं. ओके, तो आपने देखा यहाँ पे आर यूज किया है और ऊपर के एग्जाम्पल में IS इज यूज किया है. यहाँ पे 1 है इसलिए दिस यूज किया है और यहाँ पे 1 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे यूज किया है दीज. ओके, नाउ चिल्ड्रन वी रीड फर्दर. आगे हम रीड करते हैं. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. यहाँ पे हम और सेंटेंसेस रीड करेंगे. दिस इज अ फ्लावर. यहाँ पे हमें एक फ्लावर दिखाई दे रहा है. कितने फ्लावर है? 1. सो यहाँ पे लिखा है THIS दिस, IS इज अ फ्लावर. दिस भी एक चीज के लिए यूज करते हैं और IS इज भी एक के लिए यूज करते हैं. सो इट हैज बीन रिटन दिस इज अ फ्लावर. और नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है दीज आर थ्री बॉल्स। देखो यहाँ पे कितने बॉल्स हैं, 1, 2 and 3। कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, 3 बॉल्स है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है दीज आर 3 बॉल्स। ARER क्यों यूज किया है, क्योंकि ये ज्यादा है, 1 से मोर है। और THESE दीज भी इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे 1 से ज्यादा है। ओके, तो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया, इज हम किसके लिए यूज करते हैं और आर किसके लिए यूज करते हैं। ओके, इज यूज्ड विथ 1 एंड आर इज यूज्ड विथ मोर देन 1। हमें इज कहाँ पे यूज करना है, 1 के लिए, और आर कहाँ पे यूज करना है, 1 से ज्यादा के लिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज, रीड एंड राइट। हमें यहाँ पे पढ़ना है और फिर बाद में लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं एक्सरसाइज में, उसमें हमें क्या फिलअप करना है, IS इज या तो फिर ARER, ये दोनों में से हमें एक फिलअप करना है। पिक्चर देखेंगे, उसके बाद हम फिलअप करेंगे। ओके, यहाँ पे कितने बर्ड है, यहाँ पे 1 बर्ड है। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर, देयर इज ओनली 1 बर्ड। सो सेंटेंस है दिस डैश अ बर्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, IS इज, दिस इज अ बर्ड, इज इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 बर्ड है, इसलिए हम लिखेंगे IS इज। नेक्स्ट है बनानास। देखो कितने बनानास है, 1, 2 and 3। देयर आर 3 बनानास। तो ये तो 1 से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज डैश बनानास। तो बच्चों बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस ARER, These are bananas। तो यहाँ पे हम R इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 से ज्यादा है ना। चलो अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये किसका पिक्चर है, ये तो है डॉग का पिक्चर। और कितने हैं डॉग्स, ओनली 1। कितने डॉग्स है, सिर्फ 1 डॉग है। तो यहाँ पे सेंटेंस है दिस डैश अ डॉग। तो यहाँ पे स्पेस में हम लिखेंगे IS इज, दिस इज अ डॉग। यहाँ पे IS क्यों लिखा हमने, इज इसलिए लिखा क्योंकि 1 ही डॉग है। अगर 1 से ज्यादा डॉग होते तो आता दीज आर डॉग्स, पर 1 ही डॉग है इसलिए लिखा है दिस इज अ डॉग। सिमिलरली यहाँ पे कितनी कैप्स हैं, 1, 2 and 3। कितनी कैप्स है, 3 कैप्स। कितनी कलरफुल कैप्स है, तो ये तो 3 है, तो 1 से ज्यादा हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज डैश 3 कैप्स। तो यहाँ पे आएगा These are, A-R-E-R. These are 3 caps. कितनी कैप्स है? 1, 2 and 3. These are 3 caps. आर हमने बच्चों क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैप्स है, 1 से ज्यादा, है ना? तो now children, you are clear with the concept of is and are, है ना? तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं. is is हम यूज करते हैं 1 के लिए, और are हम यूज करते हैं more than 1 के लिए, है ना? 1 अगर एक चीज हो तो हम यूज करेंगे is, और 1 से ज्यादा हो तो are. Okay children, now let's move to the next page. Children, it's story time now. चलो हम टर्निप सूप की स्टोरी सुनते हैं. टर्निप सूप. A little boy once sows a turnip seed. The seed grows into a big turnip. It becomes bigger and bigger. The little boy tries to pull it out. Eha! He pulls and pulls, but he cannot pull the turnip out. A little girl comes to help the little boy. The little boy and the little girl pull and pull. Eha! But the turnip does not come out. Then comes an old man. He joins the little boy and the little girl. The little boy, the little girl, and the old man pull and pull. Eha! But they cannot pull the turnip out. The old man sees an old woman. He calls out to her, "Hey!" The old woman joins them to pull the turnip out. Now, the little boy, the little girl, the old man, and the old woman pull and pull. Eha! 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 And the turnip comes out, and all of them fall down. The little boy falls on the little girl. The little boy and the little girl fall on the old man. And the little boy, the little girl, and the old man fall on the old woman. They all laugh and laugh. The old woman then makes turnip soup. The little boy, the little girl, the old man, and the old woman have turnip soup. Bye children. Now we meet in our next class. Okay children, take care. Bye.